स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे नरेशन, या चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। मैंने आप लोगों को काफी सारी करवाए हैं, तो आप लोगों ने रिवाइज किए या नहीं? प्लीज उनको रिवाइज जरूर करना, ठीक है? तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करती है नरेशन, ठीक है? Your father said to me, हमारे पास है ये डायरेक्ट स्पीच, क्या है? Your father said to me, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा, ठीक है? Your father said to me, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा, क्या कहा? Your father said to me, I should not have given my daughter such a long robe. क्या है? Such a long robe. आ गई समझ? क्या है हमारे पास? Your father said to me, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा, I should not have given my daughter such a long robe, कि मुझे अपनी बेटी को इतनी लंबी रस्सी नहीं देनी चाहिए थी। तो ये है हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में। किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में। अब हमने क्या करना है? इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सेंटेंस क्या है? योर फादर सेड टू मी, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा, आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच ए लॉन्ग रोप, मुझे अपनी बेटी को इतनी लंबी रस्सी जो है वो नहीं देनी चाहिए थी। ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? योर फादर टोल्ड मी दैट तुम्हारे पापा ने मुझे बताया that he should not have given योर फादर टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच ए लॉन्ग रोब हैव गिवन हिज डॉटर सच ए लॉन्ग रोब ठीक है? क्या है हमारे पास? हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। योर फादर सेड टू मी, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा, क्या कहा? आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच ए लॉन्ग रोब, मुझे अपनी बेटी को इतनी लंबी रस्सी नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है? तो हमारा बनेगा योर फादर टोल्ड मी, सेड टू का क्या बनेगा? टोल्ड मी, योर फादर टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच ए लॉन्ग रोब योर फादर टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच ए लॉन्ग रोब आ गई बात समझ? ठीक है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू सेड तुमने कहा, माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब क्या है? यू सेड माई पेरेंट्स नेवर लाइक माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट आई हैड
ऑलवेज बट आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट. ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? डायरेक्ट स्पीच भी क्या है हमारे पास? सेंटेंस हमारे पास है यू सेड, तुमने कहा माई पेरेंट्स नेवर लाइक माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब. मतलब कि मेरे पिताजी जो है, मेरे पेरेंट्स, पिताजी नहीं, पेरेंट्स मीन्स माँ बाप. ठीक है, माई पेरेंट्स नेवर लाइक माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब. मीन्स अगर मैं कोई जॉब एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स वो जॉब जो है वो लाइक नहीं करते. ठीक है, बट आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट. लेकिन मैं हमेशा क्या करना चाहता था? अपने पांव पर खड़ा होना चाहता था. क्या करना चाहता था? अपने पांव पर खड़े होना चाहता था. तो क्या बनेगा इसका? शाबाश, इनडायरेक्ट बनेगा. शाबाश, क्या बनेगा? यू सेड की जगह आएगा यू टोल्ड. क्या आएगा? यू टोल्ड दैट. अब माई पेरेंट्स की जगह आएगा यूर पेरेंट्स. यू तो वैसे ही रहेगा, सेड का बनेगा टोल्ड, उसके बाद दैट लग जाएगा और माई पेरेंट्स की जगह आएगा यूर पेरेंट्स. यू टोल्ड दैट यूर पेरेंट्स नेवर लाइक यूर एक्सेप्टिंग एनी जॉब. ठीक है, यू टोल्ड दैट यूर पेरेंट्स नेवर liked, you told that your parents never liked your accepting any job. ठीक है, but you had always wanted to stand on your own feet. had अगर नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, but you always But you always wanted to stand on your own feet. ठीक है, तो ये बनेगा हमारा indirect. क्या बनेगा? Indirect. अगली बात समझ में? चलो third one क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास, शी सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ. शी सेज आई कीप एट एन, क्या है? आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ आई कीप शी सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ All those who try to flatter me, all those who try to flatter me, who try to flatter me. तो क्या है हमारे पास? She says, वो कहती है. क्या कहती है? I keep at an arm's length all those who try to flatter me. मैं उन सबको, मतलब कि अपनी एक आर्म की लेंथ से इतना यानी दूरी पे रखती हूँ. ठीक है, और दोस्त वो ट्राई टू फ्लैटर मी, जो मेरे साथ फ्लैटर करना चाहते हैं. ये है हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच है. अब हमें इसको इनडायरेक्ट करना है. शाबाश, कैसे करेंगे? She says that she, ज्यादा चेंज नहीं होगा इसमें. She says that she keeps at an arm's length. अब I की जगह क्या आ जाएगा? She. She says that she keeps that she keeps, क्या है? She says that she keeps at an arm's length. At an arm's length.
फ्लैटर हर, हु ट्राई टू फ्लैटर हर, ठीक है। तो क्या है, शी सेज दैट, वो कहती है दैट शी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोस, कि वो अपनी आर्म की लेंथ मीन्स इतना डिस्टेंस में उन सबको रखती है, ऑल दोस उन सबको, हु ट्राई टू, जो ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, हु ट्राई टू फ्लैटर हर, जो उसके साथ फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ आई। चलो नेक्स्ट, अभी मैं डालूंगी फिर नेक्स्ट करवाती हूं। नेक्स्ट है हमारे पास situations, he said, उसने क्या कहा, गांधी जी faced, he said, गांधी जी faced many awkward situations, ठीक है। गांधी जी फेस्ड मेनी ऑकवर्ड सिचुएशंस व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, व्हेन ही वाज लिविंग इन व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। क्या है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, ही सेड, ही सेड गांधी जी फेस्ड मेनी ऑकवर्ड सिचुएशंस, उसने कहा गांधी जी ने बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस को फेस किया, व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, ठीक है। क्या है हमारे पास, ही सेड गांधी जी फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशंस, गांधी जी ने बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस को फेस किया, व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। तो अब इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट क्या आएगा, ही सेड दैट गांधी जी हैड फेस्ड मैनी दैट साउथ अफ्रीका, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, आ गई ना समझ। क्या है हमारे पास, गांधी जी, ही सेड गांधी जी फेस्ड मेनी ऑकवर्ड सिचुएशंस व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, राकेश सेज क्या है, राकेश सेज, राकेश क्या कहता है, आप राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता, कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, क्या है राकेश सेज, कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी,
सुनीता सुनीता क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हो? राकेश कहता है, कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता? ठीक है, समझ आ गई। तो क्या बनाएंगे इसका? अब हम इसका अब हमने बनाना है इनडायरेक्ट। राकेश आस्क सुनीता, क्या बनेगा? राकेश आस्क सुनीता, वो पूछता है ना सुनीता से। राकेश आस्क सुनीता करेंगे। थैंक यू।